Hello everyone. So let's conclude your critical theory paper with the last essay from your syllabus, which is simulacrant simulation. This is by the same theorist we have read earlier. इससे पहले की जो वीडियो में सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो इस फिफ्थ यूनिट में यू हैव टू एसेज रिटन बाय द सेम क्रिटिक. तो यहाँ पर बात हो रही है सिमुलैक्रा सिमुलेशन की. तो आप इसका जो फर्स्ट पैरा है वो सेम यूज़ कर सकते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में नोट्स में आपने देखा होगा ऑफ इंट्रोडक्शन. उसके बाद हम डिस्कशन शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर एसे की, विच वॉज़ रिटन इन 1988. तो इससे पहले का एसे जो हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, दैट वॉज़ रिटन इन 1968. दिस वॉज़ रिटन इन 1988 बाई द सेम राइटर, विच इज़ जीन बॉडरिराल्ट. Began a long engagement with the new economic system. तो लास्ट में हमने देखा था कि फिर सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट में वो कंज्यूमर सोसाइटी की बात कर रहा था. सिमिलरली यहाँ पर वो इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहा है. इट इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर एसे द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इफ कंज्यूमर गुड्स आर साइन दैट आर सिम्टम्स ऑफ डिज़ायर, देन लॉजिकली वी वुड टेक द नेक्स्ट स्टेप दैट नथिंग इज़ रियल. अब अगर साइंस देखने के बाद कंज्यूमर्स के अंदर उन चीज़ों को कंज्यूम करने की एक डिज़ायर पैदा हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कुछ भी रियल नहीं है. जितने साइन भी हम आसपास देख रहे हैं वो आगे किसी और चीज़ की कॉपी है. वी आर फंक्शनिंग इन द हाइपर रियल नॉन वर्ल्ड ऑफ सिमुलैक्रा. तो हम आजकल जिस दुनिया में रह रहे हैं वो एक नॉन रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑफ सिमुलैक्रा है. सिमुलैक्रा का मतलब होता है कि कॉपी है. However, he refused to be categorized as a postmodernist and even suggested that postmodern was itself a simulacra. तो जीन का मानना था कि postmodern world अपने आप में एक copy है of some other concept. So his main point is that the current system of hyper spectacle. अब hyper again related है जो हम internet की digital media की बात करते हैं, कि आजकल का जो spectacle है, जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, is supported by mass and all powerful media. इसमें change का सबसे बड़ा agent जो है वो media है. It produces endless spectacles. For the writers, mass media was one entity जिसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं, film है, movies है, print press है and so on, which diverts meaning and any hope of critique into specular forms. The spectacle that diverts and misleads the enchanted spectators into hyper-conformism. Trapped in the spectacle. अब मास मीडिया ने हमारी आज की दुनिया को इतना चेंज कर दिया कि आसपास का जो स्पेक्टिकल है, जो सीन है, वो इतना भरा हुआ है एडवर्टीजमेंट्स के साथ कि जिस जगह पर भी हम टर्न ऑन करते हैं, वेदर वी आर वर्किंग ऑन लैपटॉप और वी आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर डेस्कटॉप और वी आर वर्किंग ऑन मोबाइल्स, वॉचिंग यूट्यूब और गूगल और एनी थिंग, इफ यू आर वॉचिंग सम videos on social media, be it Instagram, be it Facebook, everywhere you come across advertisements. अब यहाँ पर क्या है, इस पूरे स्पेक्टिकल में, इस पूरे सीन में जो कंज्यूमर है वो इतना ट्रैप हो गया है. वी आर शेप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाई इट्स अनरियल प्रीमाइसेस. ही अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन दिस इफेक्ट बाई यूजिंग अ मेटाफर फॉर द अनरियल और एन इन्वर्जन ऑफ द बेसिस ऑफ रियलिटी. अब यहाँ पर उसने दिखाया कि कैसे ये पूरा एक वर्ड है अनरियल चीज़ों का. द रियल इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिनिएचराइज्ड यूनिट्स फ्रॉम मैट्रिसेस. मैट्रिसेस इज़ प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स. तो जो रियल है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, मिनिएचराइज्ड का मतलब होता है जो स्मॉल साइज के यूनिट हैं, मेमरी बैंक्स एंड कमांड मॉडल्स. इट इज़ अ हाइपर रियल एंड द प्रोडक्ट ऑफ एन irradiating synthesis of combinatory models in hyperspace without atmosphere. अब यहाँ पर वो बात करते हैं कि जिन साइंस को हम देख रहे हैं, जो हमें दिखने में रियल लगता है, ये कहाँ से आ रहा है, ये एक्चुअली हाइपर रियल है, जो प्रोडक्ट है कुछ कॉम्बिनेशंस का. तो ही स्ट्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्टिंग सिमुलैक्रा बेस्ड ऑन द वर्ड सिमुलेट. ही सेड टू डिसिमुलेट इज़ टू फेन, नॉट टू हैव वट वन हैज़. Simulation threatens the difference between the true and the false and the real and the imaginary. There are no longer any reference points, only emptied sign. अब चारों तरफ कहीं पर भी कोई reference point नहीं है. Everywhere we see is a sign. The simulacra or simulations have always been feared in some quarters,
particularly institutions that wish to control imagery or information. Even today, the Muslim faith prohibits some imagery such as that of Muhammad. इसीलिए जो इमेज है वहाँ पर, जैसे हिंदू धर्म में आइडल वर्शिप होती है, लेकिन मुस्लिम जो मुस्लिम फेथ को मानने वाले लोग हैं, मुस्लिम रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, वो मोहम्मद की किसी भी पिक्चर को ऑथेंटिक नहीं मानते, और उसको शेयर करना या उसको ये कहना कि सर्टन इमेज इज़ ऑफ मोहम्मद इज़ प्रोहिबिटेड, वो मना है. तो द ज्यूइश फेथ लॉन्ग हैड प्रोहिबिशंस ऑन ग्रेवन इमेजेस. तो राइटर जो है पॉडरी डाल्ट, ही फाउंड दैट एज एन एग्जाम्पल ऑफ द थ्रेट टू द रियल एंड टू द इमेजिनेशन. अब जो मुस्लिम फेथ में ये एक ट्रेंड है कि वो मोहम्मद की पिक्चर को नहीं आगे इंडोर्स करते, उनको लगता है कि कोई भी एक ऐसा इमेज नहीं हो सकता जो मोहम्मद को रिप्रेजेंट कर सके, वो बैंड है. उसी तरह से जो नेक्स्ट उसने बात की ज्यूइश फेथ में, वो भी ग्रेवन इमेजेस के ओपोजिट हैं, कि जो इमेजेस बनी होती हैं वो कभी गॉड को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, बल्कि वो एक खतरा है इमेजिनेशन के लिए. टू द अर्ली क्रिश्चियंस द इमेज हैड अ मर्डरस कैपेसिटी एंड द इकोनोक्लास डिस्ट्रॉयड देयर इमेजेस ऑफ रिलीजियस फिगर्स. द सिंबल एक्रा इज़ द इनवर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड इज़ इन फैक्ट द डेथ ऑफ द साइन. अब इसीलिए अगर हम कहें कि कोई भी चीज़, हम किसी भी इमेज को अगर गॉड का नाम देते हैं, तो इसका मतलब उसमें इमेजिनेशन को मिक्स किया है बनाने वाले ने, और ये कहीं ना कहीं जो गॉड को मानने वाला है उसकी इमेजिनेशन को वो लिमिटाइज कर देता है, क्योंकि उसके सामने एक सीन आ जाता है कि उसी को गॉड समझना है. तो हो सकता है कि जो गॉड को मानने वाला इंसान है उसके लिए गॉड का कंसेप्ट कुछ और हो और बनाने वाले के लिए कुछ और हो. लेकिन जब एक इमेज बन जाती है, उसको उसका रिप्रेजेंटेटिव बना लिया जाता है, इसी चीज़ के अगेंस्ट है. तो सिमुल एक्रा इज़ द इनवर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड इज़ इन फैक्ट द डेथ ऑफ द साइन. ही सेट्स अप द स्टेजेस द इमेज प्रोग्रेसेस एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ बेसिक रियलिटी, अ मास्क और प्रिवर्जन ऑफ बेसिक रियलिटी, मास्क एंड एब्सेंस ऑफ रियलिटी, एंड फाइनली हैज़ नो रिलेशन टू एनी रियलिटी. तो सबसे पहले इमेज की क्या क्या स्टेजेस हैं. सबसे पहले जो इमेज है वो बेसिक रियलिटी की एक रिफ्लेक्शन होती है, तो फिर कैसे वो बेसिक रियलिटी को मास्क करती है, उसे छुपाती है. जैसे हम किसी भी यहाँ पर कोई भी एग्जांपल आप सोच सकते हो, कि जैसे नोबडी हैज़ सीन गॉड, तो कैसे उसकी जो रियलिटी बनाने वाले को पता है या उसने कहीं से पढ़ी है, जिस फेथ को वो विश्वास करता है उसके बेस के ऊपर वो एक रिफ्लेक्शन बना लेता है. उसके बाद वो बेसिक रियलिटी को मास्क करने की कोशिश करता है बाई क्रिएटिंग दैट इमेज. थर्ड जो है, उस मास्क में रियलिटी नहीं है, एंड फाइनली उसका रियलिटी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों का मानना है जो कहते हैं कि गॉड जो है दैट इज़ विदाउट फॉर्म. तो बॉन्ड्री राल्ट कंसिडर्ड डिज्नीलैंड टू बी द परफेक्ट मॉडल ऑफ ऑल ऑर्डर्स ऑफ सिमुलेशन. इट इज़ सिमुलेशन ऑफ सिमुलेशन दैट हैज़ नो ओरिजिन. क्योंकि देखो, जो डिज्नीलैंड है वो किसके ऊपर बेस्ड है? कार्टून्स के ऊपर. और क्या कार्टून्स अपने आप में रियल होते हैं? क्या सच में कोई मिकी माउस है? नो. तो वो एक हाइपर रियलिटी है, वो एक कंप्यूटराइज रियलिटी है. तो लेकिन वो है तो आर्टिफिशियल है, वो रियल तो है ही नहीं है. और उसके ऊपर डिज्नी वर्ल्ड बना है, तो वो इस सिमुलेशन ऑफ सिमुलेशन हो गया, कॉपी की कॉपी हो गई. एंड कंसील्स द फैक्ट दैट द रियल इज़ नो लॉन्गर रियल, और परहैप्स द रियल नेवर एग्जिस्टेड, इट इज़ ओनली नॉस्टैल्जिया. बट ही हैज सेड द डिज्नीलैंड इमेजिनरी इज नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, बट इट इज़ अमेरिका इन मिनिएचर एग्जिस्टिंग इन आइसोलेशन एज वन ऑफ द मैनी इमेजिनरी स्टेशन. सो दैट वर्क इज़ टोटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन दैट एग्जिस्ट इन लॉस एंजलस एज आईलैंड ऑफ डेटरेंस. एन आइडिया ऑफ एन इमेजिन अमेरिका क्रिएटेड बाई डिज्नी इमेजिनाइजर्स, जिन्होंने डिज्नी को इमेजिन करके उस जगह को क्रिएट किया है, इनवेल्प्स द विजिटर इन अ सेफ प्लेस वेयर टाइम ऑल लूजेज ऑल मीनिंग, इट हैज़ बीन फोल्डेड इन टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. So he posited here in Disneyland everything has metamorphosized. Metamorphosis का मतलब होता है जब एक स्टेज चेंज हो जाती है. Metamorphosis होता है जब caterpillar butterfly बन जाता है. तो into an inverse to be perpetuated in its purged form.
द पायरेट्स ऑफ द करेबियन आर नॉट क्रिमिनल्स बट एंटरटेनमेंट. तो वहाँ पर हर चीज़ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है. पायरेट्स आपको पता है जो सी के ऊपर दिखाते हैं, जो डेकॉयड्स होते हैं, तो वो भी कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने वहाँ पर इन्वेंट किए हैं. तो स्पीकिंग ऑफ क्रिमिनल्स, ही मूव्ड ऑन टू वाटरगेट, द स्कैंडल दैट एंडेड द पॉलिटिकल करियर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन. दिस इवेंट पॉक मार्क्ड बाय मेनी क्रिमिनल्स एंड फॉर created by a cluster of criminal activities was a simulacrum. The system provided a scandal which allowed a shadow play of investigating aimed at purging the miscreants and in order to protect the system itself. अब ये आप यहाँ पर गूगल पर आप डिटेल में पढ़ सकते हो, क्योंकि वो अगेन हम अपने मेन जो टॉपिक है उससे वी विल बी लेड अस्ट्रे अगर मैं इसके डिटेल में चली जाऊँगी. आप इसको पढ़ सकते हो, इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल. That what was the political, what was the scandal during the reign of President Richard Nixon in America? तो क्या हुआ था वहाँ पर. तो यहाँ पर सिस्टम एक इस तरह के स्कैंडल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें शेडो प्ले है इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स का. इट मास्क द रियलिटी ऑफ द वे इन विच सिटीजन्स कैन नॉट सी वट एक्चुअली हैपन्स एंड दैट द इंडिविजुअल इज़ नाउ टोटली डिफीटेड एंड इज सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट वर्ल्ड. Watergate, like other political examples he brought forward, was about power. Bothrell noted, everybody belongs to it and it more or less in fear of the collapse of the political. And in the end, the game of power comes down to nothing more than critical obsession with power, an obsession with its death, an obsession with its survival, which becomes greater the more it disappears. So elsewhere in the book on simulation, Bothrell wrote in the essay, The implosion of meaning in media. The end result is implosion as the system of simulacra collapses in upon itself. He wrote the mass media, the pressure of information pursues an irresistible destruction of the social. This thus the media are producers not of socialization but of exactly the opposite. Media makes events and then absorbs the events in a manner that is circulatory. ये हम सबको पता है कि कैसे मीडिया एक खबर को घुमा के पेश करता है. It is a new postmodern system of false exchange in which nothing is exchanged. क्योंकि ऐसे में शुरू से बात हो रही है कि जिन चीज़ों को हम हाइपर वर्ड में देख रहे हैं, क्या वो वाकई में हैं या वो कॉपी हैं. अब इसी तरह पर वो न्यूज़ की भी बात करते हैं कि किस तरह से कुछ इवेंट को किसी एक इवेंट को कैसे वो एक पार्ट बना के उसको अलग अलग तरीक़ों से प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर वो शायद उस तरीके से नहीं हुई होती. द रिज़ल्ट इज़ एन इम्प्लोजन एंड इनवर्ड कोलैप्स व्हेन मीनिंग इज़ न्यूट्रलाइज्ड एंड इम्प्लोडेड सोसाइटी टू रीच इट्स इम्प्लोजन पॉइंट. दिस इज़ हु वी आर नाउ. टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड दैट हैज़ वास्टली मोर मीडिया एंड मोर इन्फॉर्मेशन दैन बॉदरल कुड हैव एवर इमेजिनड. इवन इन हिज ओन टाइम कल्चर वॉज डोमिनेटेड बाई द हाइपर रियल in which there is no possibility of critique. All that is left is intellectual dandyism. Dandyism hum bolte hain show off ko, or a display of information as style, also known as talk radio and cable television. Yahi baat hum aaj ke time mein bhi dekh rahe hain, kyunki Bothrell ne ye likha 1988 mein aur aaj to usse bhi zyada hum hyper real world mein reh rahe hain. To aaj hum jo cheezein dekh rahe hain aas paas, jin cheezon se hum influenced ho rahe hain, jinka effect hamare upar aa raha hai, वो सारी चीज़ें एक्चुअल में क्या हैं, वो रियल की कॉपी है. और वी आर मेड बाय दीज, वी आर क्रिएटेड बाय दीज. और यहाँ पर हमने आपने एक बहुत सिंपल सा एक फ्रेज सबने सुना होगा कि आजकल के टाइम में देर इज़ नो डर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, देर इज़ ब्लास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है हर किसी के पास कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है. Simulacra and simulation identifies three types of simulacra and identifies each with a historical period. First order is associated with the pre-modern period where representation is clearly an artificially placemaker for the real item. So second order क्या है, जहाँ पर modernity of industrial revolution है, जहाँ पर distinctions हैं, differences हैं representation और reality में, और ये distinction जो है वो ख़त्म हो जाती हैं. Third order है postmodern का, लेट कैपिटलिज्म का, जहाँ पर सिमुलैक्रा जो है वो ओरिजिनल से भी आगे चला जाता है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाता है. देयर इज़ ओनली द सिमुलैक्रम, ओरिजिनलिटी बिकम्स अ टोटली मीनिंगलेस कंसेप्ट. अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि आजकल का जो टाइम है वो कैसा है.
जिसमें जो कॉपी है वही उसने ही ओरिजिनल को रिप्लेस कर लिया है और ओरिजिनल को कोई याद नहीं रखता। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल नहीं कोट की, वो मुझे अभी आई एम जस्ट रिमाइंडेड ऑफ दैट, आई वांट टू शेयर इट विद यू ऑल कि आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो कि आप कुछ आइकॉनिक करेक्टर्स अगर आप हॉलीवुड के देखो या हम बॉलीवुड की बात कर लें, जैसे राज कपूर है, तो जैसे वो कॉपी करता है चार्ली चैपलिन को, तो चार्ली चैपलिन इज़ नॉट नोन टू मेनी ऑफ द इंडियंस। जिस टाइम पर वो चार्ली चैपलिन को कॉपी कर रहा था, बहुत से इंडियंस ने चार्ली चैपलिन को नहीं देखा था, है ना, क्योंकि वो कुछ इट वाज लिमिटेड टू सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो उनके लिए जो राज कपूर प्रेजेंट कर रहा था वही रियल था, दे नेवर न्यू चार्ली चैपलिन, तो उनको वो स्टाइल राज कपूर का लगता था, बट एक्चुअली राज कपूर वॉज अ प्रेजेंटिंग अ कॉपी ऑफ चार्ली चैपलिन। सिमिलरली अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर मर्लिन मुनरो जो एक्ट्रेस है उसको कॉपी किया है इस मैडोना ने। तो जिनको मर्लिन मुनरो का नहीं पता उनके लिए मैडोना ही रियल है, लेकिन मैडोना किसको कॉपी कर रही है, मर्लिन मुनरो को। तो ये वो टाइम है आज का, प्रेजेंट टाइम पोस्ट मॉडर्न का, जिसमें जो कॉपी है वो ओरिजिनल से भी आगे निकल जाती है, और शायद ओरिजिनल का कई लोगों का नहीं पता होता एंड दे टेक द कॉपी एज रियल। तो बॉन्द्रेल्स कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस एंड ऑलमोस्ट जीनियस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेटाफोरिकल सिंबल्स विच डोमिनेट आर कंटेम्प्रेरी रियलिटी रियली ओपन्ड मैनी माइंड्स टू डायग्नोज एंड लेबल वॉट इज़ रियल एंड अनरियल इन द मीडिया। इट ऑल्सो हेल्प्स हाउ टू केयरफुली डिसेक्ट द मिसकंसेप्शन विच ड्राइव द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। सो विद दिस वी कम्प्लीट यूर पेपर, नाइन्थ पेपर, क्रिटिकल थियोरी वन। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ से हेल्प होती है तो आप इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो ये मेरा एक एफ़र्ट था, क्योंकि क्रिटिकल थियोरी बच्चों को बहुत टफ लगता है, तो इट वाज माय एफर्ट टू हेल्प यू ऑल देयर। एंड ऑब्वियसली जो आपका लास्ट 3 मंथ्स में रिस्पांस था, इसने मुझे इनकरेज किया ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन अगर आप अपना ऑनेस्ट कमेंट छोड़ते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड इफ़ यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इफ़ यू ब्लेस माई वीडियोज़ विद योर लाइक्स, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी एंड इट विल बी वेरी इनकरेजिंग मी फॉर मी टू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।